और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार अब रुझानों से बहुमत और स्पष्ट मैंडेट की ओर बढ़ रही पार्टियों का जिक्र करेंगे और जीत के जो आंकड़े अब लगातार क्लियर होते जा रहे हैं उस पिक्चर की ओर नजर डालेंगे। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। महासंग्राम में आज नतीजे का दिन है और रुझानों को देखने के बाद बीजेपी खेमे से बस एक ही आवाज उठ रही है, या यूं कह लीजिए उसे याद दिलाया जा रहा है, मतलब मोदी मतलब जीत की गारंटी। छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या हो राजस्थान, कोई जो सबसे बड़ा चेहरा निकल करके सामने आया, जिसकी जनसभाओं में कही गई एक एक बात न सिर्फ हेडलाइन बनी बल्कि जनता के जेहन में भी उतरी, आज क्या ये नतीजे उसी का परिणाम है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ पूरा गेस्ट पैनल भी स्टूडियो में जुड़ा हुआ है, उनके पास हम चलेंगे। लेकिन फिलहाल ब्रेकिंग सबसे पहले जान लीजिए, सीएम शिवराज रमन सिंह चुनाव जीत गए हैं एमपी छत्तीसगढ़ में, बीजेपी को निर्णायक बढ़त मिल चुकी है, बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल है। एमपी छत्तीसगढ़ में बीजेपी को निर्णायक बढ़त मिल गई है कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ। मध्य प्रदेश में 163 सीटों पर बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है, छत्तीसगढ़ में 54 सीटों पर बीजेपी आगे है। बिल्कुल, और इस बीच ये बड़ी बढ़त भारतीय जनता पार्टी ने बना ली है और इस पर अपडेट लेंगे। रट लिए चलते हैं आपको, हमारी सहयोगी अवंतिका लगातार सुबह से मौजूद है। अवंतिका, आप तो मुझे लग रहा है वो जो गैप है वो कम होने से रहा। निश्चित तौर पर, और बहुत ज्यादा लंबा अंतर हो तो आप समझ सकते हैं कि जो सीट है वो प्रत्याशी के नाम जा चुकी है। और आप ये भी देखिए आशीष कि हर किसी के अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नतीजे। कुछ और सीटों को लेकर नतीजे आप तक पहुंचा देती हूँ। मंडला 16,000 सीटों के साथ संपतिया उइके भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जीत हासिल कर चुकी है। कमलनाथ की अगर छिंदवाड़ा में बात की जाए 24,000 वोटों से आगे चल रहे, लेकिन 2 से 3 राउंड की वोटिंग अभी बाकी है, लेकिन अंतर इतना कि मान लीजिए कमलनाथ के नाम ये सीट हो चुकी है जो कि लंबे अरसे चली आ रही है। रायगढ़ से धर्म जयगढ़ को लेकर यह जानकारी, लालजीत सिंह राठिया कांग्रेस की तरफ से इस सीट पर काबिज हो चुके हैं। रीवा के लिए भी जानकारी, मऊगंज से प्रदीप पटेल भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर ली है। खंडवा से पंधाना की भी जानकारी, छाया मोरे भारतीय जनता पार्टी की जीत एक बार फिर से। लगातार इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि अलग अलग सीटों पर भारतीय जनता पार्टी नेशनल कांग्रेस को पछाड़ती हुई, चूंकि आप ये देखिए कि राष्ट्रीय नेताओं की कतारें खड़ी करने में बीजेपी कहीं पीछे नहीं थी। अब बीजेपी को लेकर लगातार यही बात कही जाती है कि चुनाव मोड में कब होती है कब नहीं होती है बता पाना मुश्किल होता है, क्योंकि अक्सर ही जब आप भारतीय जनता पार्टी को देखेंगे हर एक राजनेता ना सिर्फ विकास के दावे करता है बल्कि जमीनी स्तर पर उन विकास कार्यों को गिनाने का काम लगातार करता है। मध्य प्रदेश में स्थिति, जबकि छत्तीसगढ़ का आप जिक्र लगातार करें आशीष, और हम ये भी देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की बहुमत के साथ जब सरकार बनने की बात आती है तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का मैजिक चलता है, मोदी मैजिक चलता है और ये नतीजे। अमीश, ओवर टू यू। निश्चित तौर पर अब आस्था ये देखना होगा कि कौन से फैक्टर्स चले हैं इस इलेक्शन के अंदर। 2-3 चीज़ें जो बहुत अहम है जो मैं व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि आप देखिए छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई कन्विंस, बीजेपी खुद अपने नेताओं को कन्विंस नहीं कर पा रही थी कि आप जीत सकते हैं, लेकिन चुनाव से ठीक पहले गृहमंत्री अमित शाह वहाँ जाते हैं, मैन टू मैन मार्किंग करते हैं कि किस तरह से इस चुनाव को लड़ना है, बड़े नेताओं को मैदान में उतारते हैं और भूपेश बघेल को उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी तक सीमित करने का प्लान करते हैं जब विजय बघेल को वहां से लड़वाते हैं। तो छत्तीसगढ़ की जीत मध्य प्रदेश से भी बड़ी है जो बीजेपी इस समय रिजल्ट्स दिखा रही है छत्तीसगढ़ के अंदर। अगर आप देखें तो बहुत बड़ी लैंडस्लाइड जीत है वो, 54 सीटें बीजेपी के खाते में आ रही हैं और विपक्ष के खाते में यानी कांग्रेस के खाते में 34 सीटें जा रही हैं और मध्य प्रदेश 160 प्लस, कहां काटे की टक्कर की उम्मीद लगाई जा रही थी लेकिन नतीजा कुछ और आ रहा है, बहुत ही कंफर्टेबल मेजोरिटी। और मुझे लगता है छत्तीसगढ़ पे अलग से चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज हमें मिल रही है, कुछ और अपडेट्स है वो भी जान लीजिए। विंध्य में 25, मध्य में बीजेपी को 32 सीटें मिल गई है, ये कंफर्म नतीजे हैं। रुझानों से आगे बढ़ के अब नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। एक एक चीज और इंटरेस्टिंग, आप हम बात कर रहे थे कि ग्वालियर चंबल की बेल्ट में क्या होगा, ग्वालियर चंबल की बेल्ट के अंदर बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ेगा क्योंकि अंतर कलह थी, लेकिन उस अंतर कलह से बीजेपी ने निपट लिया और नरोत्तम मिश्रा, नरेंद्र तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया की तिकड़ी ने वहां जबरदस्त डिलीवरी दी है। इसमें देखना पड़ेगा कि कहां, और महाकौशल जो कि इलाका था कमलनाथ का, आप खुद वहां पर गई थी, उस इलाके के अंदर भी बीजेपी बेटर कर रही है, तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है। और इस नैरेटिव का
थोड़ा क्रेडिट नहीं, एक बड़ा क्रेडिट जाना चाहिए स्टालिन को और स्वामी प्रसाद मौर्य को, जिन्होंने सनातन के बारे में इतनी गाली दी कि वोटर घर से गुस्से में निकला, गुस्सा दबा के निकला और कांग्रेस के खिलाफ वोट डाला। और यकीन मानिए 2024 के अंदर भी वोटर निकलेगा, राम मंदिर बनेगा, इसका असर आएगा, क्योंकि सनातन को जिस कदर गाली दी गई है बीते 4-5 महीने में वो अभूतपूर्व था, कभी इतिहास में ऐसा नहीं दिया गया। शायद मुगल काल के बाद ये एक दूसरा मौका था जब सनातन को इतनी भद्दी भाषा से नवाजा गया, बहुत भद्दी भाषा का इस्तेमाल हुआ। बिल्कुल, और भाषा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी जो इस्तेमाल की गई, क्या उसका भी असर देखने को मिला? और जिसका जिक्र आप कर रहे थे अमित जी, ग्वालियर चंबल 34 सीटें यहां पर है और उसका रुझान और कहा जा रहा था कि बीजेपी 2 सीटें नहीं जीत पाएगी, ये वाली पूरी पूरा। और मैं बताऊं, मैं जब खुद मैंने फीडबैक लिया तो इसी तरह का फीडबैक आ रहा था कि पूरा मध्य प्रदेश बीजेपी जीत के आएगी, लेकिन इस इलाके में आके ढह जाएगी, यहां पर 34 में से 30 सीटें के करीब जाएगी कांग्रेस पार्टी को, बीजेपी 2-3 मुश्किल से बचा पाएगी। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। और आप देखिए, महाकौशल में भी बढ़त बीजेपी को मिली है, ग्वालियर चंबल में भी बढ़त मिली है। नहीं, बुंदेलखंड बीजेपी का इलाका रहा है और वहां पे हमेशा बीजेपी आगे चलती है, चाहे कहीं खराब अच्छा करे ना करे, लेकिन इस इलाके में अच्छा कर देती है हमेशा। बिल्कुल, और मुझे लगता है बुंदेलखंड की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी को भी एक बार सीन में जरूर लाना चाहिए, क्योंकि 70 सीटों पर सपा के कैंडिडेट उतर गए। क्या वहां पर भी कांग्रेस को उससे नुकसान हुआ है? कांग्रेस इसे खारिज करती रही, लेकिन क्या इस फैक्टर को हल्के में लिया गया, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। पूरा गेस्ट पैनल भी हमारे साथ लगातार जुड़ा हुआ है, लेकिन उससे पहले महाकौशल की 38 सीटों का भी रुझान जान लीजिए। बीजेपी 22 और कांग्रेस यहां भी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। गेस्ट पैनल हमारे साथ है, नेहा बग्गा जी हैं हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, हमारे साथ सूर्य मैथिल जी हैं राजनीतिक विश्लेषक, सुरेंद्र जी हैं कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, और साथ ही एक और विशेष मेहमान हमारे बीच में हैं। देखिए आप देखिए कांग्रेस की रणनीति, देखिए सनातन को इंडिया गठबंधन के अलायंसेस गाली दे रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष का बेटा उनको सपोर्ट कर रहा है इनडायरेक्टली डायरेक्टली, उसके बाद मीडिया का बॉयकॉट कर रहे हैं, ये सारी चीजों का कैस्केडिंग इफेक्ट हुआ है और जिसका नुकसान देखने को मिला है। एक एरोगेंस कांग्रेस की, जो पॉलिटिकल एरोगेंस दिखाई दी, जैसा आप कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस की पॉलिटिकल एरोगेंस थी, जो समाजवादी पार्टी भी कह रही है एक पॉलिटिकल एरोगेंस थी, उसका नुकसान देखने को मिल रहा है। और वही बड़ा कारण रहा है, कांग्रेस हिंदी पट्टी से, जिसे हम हिंदी बेल्ट कहा जाते कहते हैं, वहां से सफाया हो गया है। और देखिए नरेंद्र मोदी का मैजिक कहिए, नरेंद्र मोदी का फैक्टर कहिए, नरेंद्र मोदी का नाम कहिए, वो सब चलता है और चलता आया है, और शायद 10 साल हो गए उनको सत्ता में, वो अभी भी चल रहा है और बहुत धमाकेदार तरीके से चल रहा है। मुझे नहीं लगता 160 सीटें जो बीजेपी की मध्य प्रदेश में आ रही है, चलाने के वो कितना बड़ा है। राजस्थान में मैंडेट मिल रहा है, छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस अपनी सरकार रिटेन नहीं कर पा रही है जहां पर चांसेस थे। बीजेपी सिर्फ सरकार चला नहीं रही है, सरकारें रिटेन भी कर रही है और कांग्रेस से सरकारें भी ले रही है। और कांग्रेस ने किसकी सरकार ली है? तेलंगाना में विपक्ष की सरकार ली है, BRS की सरकार ली है, जिसको अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल दोनों सपोर्ट कर रहे थे। तो ये अपने आप में इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल, और एक और पाई चार्ट हमारे सामने है, आप देखिए 2018-2023 स्थिति कांग्रेस की और स्थिति बीजेपी की भी आपके सामने। 2018 में 114 सीटें मिली थी, 2023 में अब 64 सीटों पर सिमटती जा रही कांग्रेस। वहीं बीजेपी की तरफ देखिए 2018 में 109 सीटें और 2023 में अब 164 सीटें, बहुत ही कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ। जल्द नतीजे आपके सामने होंगे, ये रुझान है जो हम आपको पाई चार्ट के माध्यम से दिखा रहे हैं। एक और डेटा सामने रख देते हैं, और इस डेटा से पहले एक और डेटा बता देते हैं कि यूट्यूब पे मध्य प्रदेश का हमारा चैनल जो है वो सबसे ज्यादा देखा गया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। मध्य प्रदेश का चैनल सबसे ज्यादा यूट्यूब पे देखा गया है, किसी नेशनल चैनल से दोगुनी से ज्यादा संख्या थी। और राजस्थान का जो हमारा चैनल है वो तो 7 लाख से ज्यादा यूट्यूबर्स देख रहे, यूट्यूब पे देखा जा रहा था। तो आप सोच सकते हैं कि यहां पर क्या मैंडेट है, और पब्लिक का मैंडेट न्यूज 18 को है। बिल्कुल, टीवी के साथ साथ डिजिटल के व्यूअर ने भी हम पर भरोसा जताया है, और जब से पहला रुझान आया है तब से लेके अब तक लाखों दर्शक हमारे साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी जुड़ रहे हैं, और लगातार ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। और देखिए अब फिलहाल असेंबली की तस्वीर कैसी नजर आ रही है, छत्तीसगढ़ फिलहाल आपके सामने 90 सीटों के रुझान आ चुके हैं, बीजेपी 54 सीटें, कांग्रेस 34 सीटें और अन्य के खाते में 2 सीटें फिलहाल बढ़त की तरह नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ पाई चार्ट के माध्यम से 2018 की स्थिति करना पड़ा था। वहीं दूसरी तरफ 2018 में
कांग्रेस 68 सीटें लेकर के आई थी और बीजेपी को 34 सीटों पर संतोष करना पड़ा था, यानी अपने ही प्रदर्शन को और बेहतर और कांग्रेस का कितना नुकसान 2018 से लेकर अब होता हुआ नजर आ रहा है। ये पाई चार्ट सब कुछ बता रहा है और आज जो बताने लायक स्थिति वो ये है कि बड़े चेहरों पर जो दाम लगाया गया था दोनों ही पार्टियों की तरफ से, मुझे लगता आस्था वो बहुत ज्यादा सक्सीड नहीं कर पाया। जो सक्सीड किया वो था लोगों के बीच आपके काम को लोगों ने स्वीकार किया, चाहे कांग्रेस पार्टी को जितनी सीटें मिली हो वो उनके काम के दम पर मिली और भारतीय जनता पार्टी को जो सीटें मिली हैं वो भी उनके काम के दम पर ही उन्हें दी गई हैं। जनता अवेयर हो चुकी है। नेहा जी हमारे साथ हैं, राजीव जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से सुरेंद्र जी भी मौजूद हैं, मिथुन जी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी बातचीत करेंगे। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों की हम बात करेंगे और इस पर बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। नेहा जी पहले तो अग्रिम बधाई, देखिए बहुत कुछ स्पष्ट हो गया और बहुत कुछ स्पष्ट होना बाकी है, लेकिन जो बड़े चेहरे वाली स्ट्रेटजी थी वो कामयाब नहीं हो पा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे लगता है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी संकल्प से लेकर सिद्धि तक की यात्रा पूर्ण करती है, जिस तरीके से लगातार सनातनियों पर हमला करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, कभी डेंगू कहकर, कभी मलेरिया कहकर और कभी एड्स से तुलना करके, और बार बार जब हम देखते हैं कि हिंदुओं पर टारगेट करके अटैक किया जाता है और कांग्रेस के नेता उसको एंजॉय करते हैं, ये उसका परिणाम है। ये जो विकास की यात्रा भारतीय जनता पार्टी ने चलाई मध्य प्रदेश के अंदर, बीमारों से सुचारू और सुचारू से स्वर्णिम प्रदेश बनाया, ये उसका परिणाम है। जो जातिवाद के जहर घोलकर कांग्रेस आगे बढ़ना चाहती थी, हिंदुओं में ध्रुवीकरण करना चाहती थी, ये उसका परिणाम है। और ये प्रत्येक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का जो परिश्रम कर रहा था, जो सरकार की योजनाओं को साथ में संगठन के विचार को लेके जन जन तक 24 घंटे 365 दिन सक्रिय रहता है, ये उसका परिणाम। बिल्कुल आपको रोक रही हूँ मैं नेहा जी, कैलाश विजयवर्गीय कुछ कह रहे थे छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा उलटफेर, इतनी बड़ी जीत होगी ये तो मुझे भी कल्पना नहीं थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोग बोल रहे थे कि अच्छे टक्कर है हम जीतेंगे, पर इतनी बड़ी जीत होगी कल्पना नहीं थी। और ये सब मोदी जी का कमाल है, अमित शाह जी की रणनीति और नड्डा जी के संगठन की पूरी प्रेरणा। इंदौर में तो क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ रहे हैं। वो तो मालूम था, मैं पहले दिन से कह रहा था, जिस दिन फॉर्म भरा था उस दिन मैंने कहा था कि 9 सीट जीते इसकी जवाबदारी मेरी भी, 9 सीट जीतेंगे इसकी जवाबदारी खुद बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के, उन्होंने कहा कि उन्हें मालूम था कि 9 सीट जो है वो बीजेपी जीतने वाली है और उन्होंने कहा कि 150 का दावा उन्होंने पहले कर दिया था। वीडियो जर्नलिस्ट डगलस साथ गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। और बड़ी खबर, धर्मजयगढ़ में कांग्रेस की जीत हुई है, एक और सीट कांग्रेस के खाते में, धर्मजयगढ़ से लालजीत सिंह राठिया जीत गए हैं। तो एक एक करके अपडेट्स आपके सामने आ रहे हैं। खातेगांव से कांग्रेस के दीपक जोशी हार गए हैं एक और बीजेपी की सीट। सूर्य मैथिल जी हमारे साथ हैं। सूर्य मैथिल जी, अब कहा जा रहा है मोदी मतलब जीत की गारंटी, छत्तीसगढ़ में जो नतीजे आए, मध्य प्रदेश में कोई एंटी इनकम्बेंसी जैसा नजर नहीं आया और राजस्थान में रिवाज कायम रहा, रिवाज नहीं बदला, नहीं तोड़ पाए, आपको क्या लग रहा है? छत्तीसगढ़ के नतीजे से हर कोई हैरान है, क्या चूक हुई और बीजेपी के पक्ष में क्या चला गया? धन्यवाद आस्था। पहले तो पूरे देश को और मध्य प्रदेश को भारत माता की जय वंदे मातरम, और पहले आपको ही बधाई कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं, ये भी एक बहुत सुखद अनुभव मैंने सुन रहे को मिल रहा है। अब सबसे पहली बात कि मोदी मतलब जीत की गारंटी, मोदी मतलब जो कहेंगे वो करेंगे, हमेशा भारतीय जनता पार्टी की एक ही लाइन रही थी कि जो कहेंगे वही करेंगे, वही आज देश की जनता और प्रदेश की जनता विश्वास कर रही है। आप देखिए, मोदी मतलब इज्जत घर, मोदी मतलब पक्के मकान, मोदी मतलब नल से जल, मोदी मतलब प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, मोदी मतलब अन्न योजना, मोदी मतलब सर्जिकल स्ट्राइक, मोदी मतलब एयर स्ट्राइक, मोदी मतलब देश की अर्थव्यवस्था विश्व में पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था, और मोदी मतलब 4 ट्रिलियन इकोनॉमी, मोदी मतलब मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, और मोदी मतलब विकास। तो विकास की राजनीति की ये जीत हुई है, ये मोदी जी की जीत हुई है। और इस चुनाव में आप एक बात और देखिए आस्था, ओबीसी का ओबीसी जनगणना का कार्ड खेला गया, हिंदुत्व को गाली देके पोलराइजेशन करने की कोशिश की गई। इसके अलावा जिस प्रकार से व्यक्तिगत हमले माननीय प्रधानमंत्री जी पे किए गए, वो उनके पिताजी के प्रति अपशब्द बोले गए, उनको सैकड़ों गालियां दी गई, इन सब का जवाब है ये जो आप आज रिजल्ट देख रहे हैं। और आपने छत्तीसगढ़ की बात की, तो मैं खुद छत्तीसगढ़ में गया, सरगुजा में गया, आदिवासियों के घर में भोजन भी मैंने किया, तो मैंने एक बात वहां महसूस की,
कि पिछली बार जो आदिवासी भारतीय जनता पार्टी से दूर था और कांग्रेस के प्रोपोगेंडा में आ गया था, प्रधानमंत्री जी द्वारा भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती दिवस को जनजातीय गौरव के रूप में जो उन्होंने घोषित किया, साथ ही साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को एक आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया, ये इतना बड़ा संदेश था जो भाजपा देने में। और मुझे लगता है कांग्रेस के लिए इस वक्त ही बहुत बड़ा मंथन का दौर है। सुरेंद्र जी, हिंदी बेल्ट से लगभग कांग्रेस का सफाया हो गया है, 2024 नजदीक है, ये चिंता की बात है कांग्रेस के लिए। इंडिया अलायंस की बैठक भी बुला ली गई है, वहां भी एक चिंता है आपके सामने। आस्था जी देखिए, जो रुझान है वो निश्चित तौर पर कांग्रेस की अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। अभी भी रुझान है साहब, जिस प्रकार से बहुत लफाजी की आपने, अरे ये विकास के नाम की स्थिति जो है ना, आप वो देखिए, वही छत्तीसगढ़ है जो रमन राज के 15 साल के मालूम है जनता की हकीकत, लेकिन गाली जिनको बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। लगभग 4 बजने को है, अभी भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी तो छत्तीसगढ़ मोर्चा संगठन की भूमिका में थे 3 साल से, देश के प्रधानमंत्री का समय अब चला गया, अब हम नतीजों के सामने खड़े हैं। मिथिलेश जी हमारे साथ हैं, उनको भी मैं ऐड करना चाहूंगी। मिथिलेश जी, आप कैसे विश्लेषण करेंगे इस पूरी परिस्थिति? देखिए, नतीजों की अगर आप बात करें तो हम कुछ 12 सीट को के ही डिफरेंस पे हैं, जो कि नतीजों के हिसाब से कोई बहुत बड़ा डिफरेंस तो है नहीं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, यदि आप रुझानों की तरफ जाना चाहती हैं तो यदि रुझानों को कंसिडर करें तो मध्य प्रदेश में कंसिडर नहीं करेंगे, 4 बजने वाले हैं सर, अभी कहना बेमानी है। 63 और 165, अब क्या करिश्मे की उम्मीद करें? ये आप नतीजे बता रही है क्या? नतीजे नहीं, मैं आपको रुझान बता रही हूँ, समय भी बता रही हूँ। मैं वही कह रहा हूँ, समय के अनुसार ये रुझान ही है, आप नतीजे कह दें तो मैं मान लूंगा। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आप रुझानों की बात कर रही हैं, रुझानों में यदि कोई व्यक्ति हारता नजर आ रहा है, इसका मतलब उसने काम नहीं किया। तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा नजर आ रहे हैं हारते हुए, मतलब मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब है। केंद्र के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर अगर हारते हुए नजर आ रहे हैं तो मध्य प्रदेश के किसान उनसे नाराज हैं। यदि मध्य प्रदेश में फग्गन सिंह कुलस्ते हारते नजर आ रहे हैं तो डबल इंजन की सरकार ने वहां पर काम नहीं किया। नतीजे जब आएंगे तब तो देखेंगे, लेकिन आपको यह भी देखना होगा कि मध्य प्रदेश की जनता ने अगर कोई मैंडेट दिया है तो उसमें मध्य प्रदेश के मुद्दे कितने महत्वपूर्ण हैं। भारतीय जनता देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से तो किसी को रोका नहीं जा सकता। कमलनाथ जी कहते थे 15 अगस्त आएगी झंडा मैं फहराऊंगा, 26 जनवरी आएगी झंडा मैं फहराऊंगा। अगर ये भी कह देते कि यूएस का प्रेसिडेंट मैं बनने जा रहा हूं तो मध्य प्रदेश की जनता उसको भी सुनकर एक बार को मानने को तैयार हो जाती। मैं आता हूं आपके पास नया जी, एक एक ब्रेकिंग आ रही है शाजापुर में, जहां बवाल हो गया है, उपद्रव हो गया है। दरअसल शाजापुर में जमकर बवाल की जानकारी मिल रही है, अब तक वोट बड़े आराम से पड़ गए और काउंटिंग के वक्त बवाल हो रहा है शाजापुर में, इस वक्त उपद्रव की जानकारी मिल रही है। आपको बता दें शाजापुर में क्या कुछ कारण रहा बवाल का, यह भी बताएंगे। फिलहाल चूंकि काउंटिंग लगातार जारी है, 14-15 राउंड की काउंटिंग अब तक हो चुकी है, शाजापुर में क्या कारण रहा बवाल का यह भी बताएंगे। चूंकि जो अब तक बवाल हुआ है उसमें बताया यह जा रहा है कि काउंटिंग सेंटर के आसपास कुछ उपद्रव, कुछ अशांति फैलाई जा रही है कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा, लेकिन कारण क्या रहा, क्या पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच ये बवाल हुआ है, क्या कारण रहा, यह भी आपको बताएंगे। शाजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर ये कि जमकर यहां पर बवाल हो रहा है। और इस बीच अगर बवाल की जो बात करें तो सड़कों पर पथराव की बात कही जा रही है, सड़कों पर पथराव हुआ है, क्या कारण रहा, आखिर क्यों वहां पर आंसू गैस के गोले पुलिस को छोड़ने पड़े। स्थिति को काबू में करने के लिए तस्वीरें भी दिखा देते हैं। इस वक्त ये तस्वीरें देखिए, यहां पर सुरक्षा बल लगे हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं, दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता हैं आसपास। हालांकि ये स्थिति आज तब की है जब स्थिति पर थोड़ा काबू पा लिया गया था, जब मीडिया भी वहां पहुंच गया था। और ये देखिए, आंसू गैस के गोले, टियर गैस यहां पर छोड़नी पड़ रही है स्थिति को काबू में करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, और पुलिस को यहां पर मुस्तैदी दिखानी पड़ी, काफी अलर्ट है। और फिलहाल यहां की जो स्थिति है संभाल तो ली गई है, लेकिन अब भी ऐसा लग रहा है कि जैसे कार्यकर्ताओं के बीच की ये झड़प है। सड़क पर पत्थर पड़े हुए हैं, पत्थरबाजी हुई है, हालांकि इसकी वजह क्या है ये अभी इस पर स्पष्ट जानकारी नहीं आई है, लेकिन ये जगह ऐसी लगती है जैसे कोई कॉलेज हो, आमतौर पर काउंटिंग सेंटर्स वहां पर होते हैं। आंसू गैस के गोले पुलिस को छोड़ने पड़े तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि स्थिति एक्चुअली बेकाबू होने के मुहाने पर होगी जब पुलिस आंसू गैस का उपयोग करती है, और फिर भी ना संभले तो फिर हल्का बल प्रयोग लाठी से भी किया जाता है। लेकिन फिलहाल उसकी नौबत आई हो ऐसी कोई खबर नहीं है, पर आपको तस्वीर हम उस वक्त की दिखा रहे हैं, उस जगह की दिखा रहे हैं, क्या हलचल फिलहाल वहां पे, पुलिस आंसू गैस फायर करते हुए नजर आ रही है, बहुत सारे लोगों को अपने साथ ले जाते नजर आ रही है, किस बात का गुस्सा था, किसने किसको पत्थर मारे, सुनील से इस पर अपडेट लेते हैं, फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे सहयोगी। सुनील, क्या ताजा जानकारी आपके पास?
देखिए शाजापुर में जैसे ही शाजापुर विधानसभा के मतदान परिणामों की घोषणा हुई, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस के बीच यहाँ बिल्कुल कांटे का मुकाबला था। जो प्रारंभिक जानकारी है उसके मुताबिक जो बीजेपी उम्मीदवार अरुण भीमावत है वो 28 वोटों से जीते हैं। इससे पहले लगातार जो है काफी कम मार्जिन में दोनों के बीच मुकाबला दिख रहा था। उसके बाद जो कांग्रेस प्रत्याशी थे उनके समर्थक और भाजपा प्रत्याशी उनके समर्थक वो दोनों काउंटिंग सेंटर के बाहर खड़े थे। इसी दौरान जैसे ही परिणाम की खबर बाहर पहुंची तो कुछ कार्यकर्ताओं ने पथराव शुरू कर दिया और उसके बाद ये पूरा बवाल देखने को मिला और पथराव दोनों तरफों से देखने को मिला है। बाहर जो दोनों दलों के कार्यकर्ता मौजूद थे और ये माना जा रहा है कि जो प्रत्याशी की हार हुई उसके बाद जो आक्रोशित कार्यकर्ता थे वो लगातार नाराज हुए और उसके बाद उन्होंने पथराव किया और हंगामा इतना बड़ा कि पुलिस को मौके पर पहुंचकर जो है आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और हालात को काबू में करने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। हालांकि पुलिस बल ने समय रहते हुए क्या काउंटिंग पर इसका कोई प्रभाव पड़ रहा है और अभी की स्थिति क्या है तत्काल में? नहीं, देखिए काउंटिंग की कोई काउंटिंग पर कोई प्रभाव नहीं है। पुलिस ने और प्रशासन ने इस बार एक व्यवस्था इस तरीके की थी कि काउंटिंग सेंटर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर ही बैरिकेडिंग की थी। हालांकि कार्यकर्ता वहां तक भी पहुंच गए थे लेकिन काउंटिंग सेंटर है वहां पर इसका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला। वहां पर प्रशासन और मतगणना कर्मचारी लगातार अपना काम कर रहे हैं। चूंकि शाजापुर जिले में 3 विधानसभा है, 2 विधानसभाओं के परिणाम घोषित हो गए, 3 विधानसभा के परिणाम भी घोषित हो गए, लेकिन चूंकि कांग्रेस प्रत्याशी उन्होंने रिकाउंटिंग की मांग की है इसलिए अधिकृत परिणाम उसका घोषित नहीं हो पाया है। तो फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है लेकिन जिस तरीके के परिणाम के बाद हालात देखने को मिले थे और परिणाम के बाद जो कार्यकर्ता थे आक्रोशित उनकी तरफ से पत्थरबाजी की गई थी। बिल्कुल बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर हमें मिल रही है, खबर ये कोंडा गांव से मोहन मरकाम की हार हुई है। कोंडा गांव से चुनाव हार गए हैं मोहन मरकाम। इस बीच एक बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ का बड़ा चेहरा कांग्रेस पार्टी का मोहन मरकाम, जो कि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाल रहे थे, ठीक इलेक्शन से पहले हमने परिवर्तन देखा, दीपक बैज को जिम्मेदारी दी गई, इस पर रिएक्शन भी लूंगा छत्तीसगढ़ के नेताओं से आस्था। लेकिन अभी ये एक बड़ी खबर है, वो जो बड़े चेहरों का हम जिक्र कर रहे थे, जिस तरह से अभी मिथुन भाई कह रहे थे, फगन सिंह कुलस्ते का जिक्र कर रहे थे, मोहन मरकाम भी, हालांकि केंद्रीय मंत्री तो नहीं रहे लेकिन लगभग उसी तरीके नेता है मोहन मरकाम की हार। मिथुन भाई एक रिएक्शन, मोहन मरकाम चुनाव हार गए हैं, इसी कसौटी पर इनको भी कसा जाएगा, कांग्रेस पार्टी का महत्वपूर्ण चेहरा जिनके पास जिम्मेदारी। लेकिन आप जो खबर दिखा रहे थे, सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं से निवेदन है ऐसी किसी भी घटना में इन्वॉल्व ना हो। भारतीय जनता पार्टी के तो मुख्यमंत्री रहते हुए भी एक नेता हार गए थे, तो चुनाव में हार जीत चलती रहती है। सुरेंद्र जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। सुरेंद्र जी, मोहन मरकाम जैसा नेता जो कि इलेक्शन से ठीक पहले उनको पहले जो प्रदेश अध्यक्ष पद की वो जिम्मेदारी संभाल रहे तो उन्हें हटाया गया, कुछ निराशा उन्हें भी हुई थी, उनका ये कहना जरूर था कि अभी ठीक है संगठन जो जिम्मेदारी देगा वो निभानी होगी, लेकिन एक मायूसी थी, ये उसी का परिणाम तो नहीं है? आशीष जी, मायूसी जैसी कोई बात नहीं थी क्योंकि वो मंत्री बनाए गए थे, वो मंत्रिमंडल में शामिल किए गए थे, 2 बार के विधायक थे। निश्चित तौर पर ये अनएक्सपेक्टेड है कांग्रेस के लिए, लेकिन जो वर्तमान में कई ऐसे नाम भी हैं, जिस प्रकार से अभी सूर्या जी कह रहे थे, जी बिल्कुल बात कर रहे थे, सरगुजा में पहला नंबर का विधानसभा है, वहां पर भी देख लें। ठीक है सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी हमारे साथ एक और विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं, बिल्कुल अभी उन्होंने ज्वाइन किया है, सुमेर सिंह सोलंकी जी हैं बीजेपी सांसद। सुमेर जी, निश्चित रूप से आज खुशी का दिन है आप लोगों के लिए, उत्साह से भर देने वाला दिन है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब भी उम्मीद कर रही है कि बहुत सी सीटें ऐसी हैं जहां पर बहुत कम अंतर से आगे पीछे चल रहा है, तो इन रुझानों से अभी आप लोग जीत का जश्न मत मनाइए। जी सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, और मैं मध्य प्रदेश की जनता का जो अपार स्नेह और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है इसके लिए मैं प्रदेश और केंद्र के नेतृत्व की तरफ से मध्य प्रदेश के भाइयों और बहनों का आभार व्यक्त करता हूं। अब क्या है कि लगातार सुबह से हम सब टेलीविजन पे भी देख रहे हैं, सभी आंकड़े हम देख रहे हैं, रुझान देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी निरंतर बढ़त बनाए हुए हैं और ये बढ़त अंत तक रहेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मुझे विश्वास ही नहीं अपितु भरोसा भी है। अब कांग्रेस जो है उन्होंने पिछले 75 साल में से 60 साल तक इस देश में भी राज किया और लंबे समय से उन्होंने मध्य प्रदेश में भी राज किया है, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से जान चुकी है कि हम और हमारे प्रदेश का और देश का भविष्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ही हमको सौंपना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी ही
हमारे गरीबों का और छोटे भाइयों और बहनों की जिंदगी बदलने का काम कर सकती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो रीति और नीति के साथ में लोक कल्याणकारी जो योजनाएं थी उनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को अपार आशीर्वाद जनता का प्राप्त हुआ है। हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारे महोदय एक चीज बड़वानी सीट का जो परिणाम है उसे कैसे देखते हैं, कहां कमी रह गई सर? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। बड़वानी विधानसभा सीट पर जो परिणाम आया भारतीय जनता पार्टी के लिए उसे कैसे देखते हैं सर? अभी तो लोकसभा के चुनाव में भी जाना आप लोगों को। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जाना तो है हम लोगों को, लेकिन हार जीत ये निश्चित रूप से किसी न किसी की हार और जीत होती ही है। हम इस पर गहन चिंतन भी करेंगे, कहां कमी रह गई इसको भी देखेंगे, लेकिन जनता का जो जनादेश प्राप्त हुआ है बड़वानी विशेषकर बड़वानी के लिए, तो उसके लिए जनता ने जो आदेश किया है उसका पालन तो करना ही पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर एक सीट की चिंता करती है, हर एक कार्यकर्ता उस सीट को जो परिणाम आता है उसको लेकर उत्साहित भी होता है। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो जीत हासिल करी है वो मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद है, और बाकी जो चीजें थोड़ी बहुत कम ज्यादा होती है उसको लेकर। सुमित जी एक और महत्वपूर्ण बात, चुनाव में जब आप लोग जा रहे थे तो कहा यह जा रहा था, ये इस पर कांग्रेस पार्टी ने चुटकी भी ली और उसको पुरजोर तरीके से जनता के बीच में भी रखा कि आपकी पार्टी के अंदर यानी भाजपा के अंदर बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो खुद मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, और बयान भी आ रहे थे आप कैलाश विजयवर्गीय कहने लगे कि भाई मैं केवल विधायक बनने के लिए थोड़ी आया हूं, बहुत से केंद्रीय मंत्री को चुनाव लड़ाया गया यहां पे, बहुत से सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा गया, तो ये चुटकी ली जा रही थी। अब जबकि रुझान आप देख रहे हैं नतीजों की तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि वो रणनीति जो आप लेकर चले थे उसमें कामयाब हुए? कांग्रेस को जवाब दिया आपने, इसको बहुत ही नेगेटिवली कैंपेन किया गया था कांग्रेस की तरफ से कि वहां तो स्पष्ट चेहरा है कमलनाथ का लेकिन उनके सामने कौन ये तय नहीं है, और आपके पोस्टर पर भी ऐसी कंफ्यूजन थी। देखिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का आधारित संगठन है, यहाँ कार्यकर्ता ही चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, और भारतीय जनता पार्टी में जो संगठन तय करता है, संगठन जो निर्णय करता है उसको श्रेष्ठ निर्णय मान के कार्यकर्ता स्वीकार करता है। ये कंफ्यूजन कांग्रेस को रहा हो सकता है लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हमारे जो बड़े नेता है उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं था। भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना मजबूत है कि बड़े नेता से लगाकर छोटे नेताओं ने एक नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी के इसी बात पर चुनाव से पहले तो आपने बताया नहीं, अब बता दीजिए मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये चुनाव कार्यकर्ताओं ने लड़ा, इसलिए ऐसा संशय कांग्रेस को हो सकता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं हो सकता है। सांसद जी सीएम कौन होगा? ये संगठन का विषय है, संगठन तय करेगा, संगठन जो बेस्ट कार्यकर्ता होता है श्रेष्ठ कार्यकर्ता होता है इस प्रकार के दायित्व के लिए संगठन का विषय, संगठन चिंतन करता है। कांग्रेस पार्टी बार बार ये कह रही है कि अभी भारतीय जनता पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी थी, रुझान अभी परिणाम में बदलने दीजिए, इंतजार कीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपना काम किया, सरकार ने अपना काम किया, ये जो जीत है ये कांग्रेस पार्टी की नाकामी आप इसे कहेंगे या भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि? ये भारतीय जनता पार्टी का जो हमारे गरीब भाइयों और बहनों के साथ में मध्य प्रदेश में जो विकास किया उस विकास के परिणाम स्वरूप सबका साथ सबका विकास करने का विश्वास भारतीय जनता पार्टी को जनता ने जो दिया है वो जनता भारतीय जनता पार्टी ने हासिल किया है, और ये जनता का आशीर्वाद सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कामों की वजह से प्राप्त हुआ है। और दूसरा एक बड़ा कारण और रहा है कि कांग्रेस ने 2018 में बड़े बड़े झूठ बोले थे, फिर 2023 में इनके केंद्र के नेता से लगा के मध्य प्रदेश के नेताओं ने फिर मध्य प्रदेश की जनता को झूठ बोलने की कोशिश की, और इस बार मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को बहुत अच्छे तरीके से उसका जवाब दिया है, और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पर यह श्रेष्ठ परिणाम लेकर आई है।
तो मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और देश प्रदेश के जो हमारे मतदाता भाई और बहन है उनका धन्यवाद भी देता हूँ, उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ। और हम भी आपका धन्यवाद करते हैं सर, आपने समय निकाला बातचीत करने के लिए। ठीक है, बड़वानी वाला रिजल्ट थोड़ा पक्ष में नहीं रहा आपके, थोड़ा सा आपको इस पर विचार करना होगा, चूंकि अब ये तो सेमीफाइनल था, फाइनल्स खेलना है 2024 में। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, माफ कीजिएगा। और इस पूरे बातचीत में जो बातें अब तक सामने आई, सांसद महोदय ने आस्था जो बातें कही है, उससे जाहिर है कि थोड़ा काम करना अभी भारतीय जनता पार्टी को भी बाकी है, क्योंकि ये तो सेमीफाइनल्स है, अभी फाइनल्स की ओर आगे बढ़ना है। बिल्कुल, और इन चुनाव नतीजों के बाद सूर्य मैथिल जी, अब इंडी अलायंस का क्या होगा, उसकी एकता को लेकर? अब देखिए, बैठक भी उन्होंने फौरन बुलाई है, इसको भी लेकर बहुत से सवाल उठ रहे हैं। सपा कांग्रेस आमने सामने थी मध्य प्रदेश के अंदर। देखिए आस्था, सही मायने में तो इस समय में इंडी अलायंस के जितने भी घटक दल थे वो सब बहुत खुश हो रहे हैं। क्यों? अब कांग्रेस की जो गुंडागर्दी थी उस अलायंस में, जो कि अलायंस तो है ही नहीं, क्योंकि कहीं का ईंट और कहीं का रोड़ा भानुमती ने कुनबा जोड़ा, लेकिन फिर भी जो एक इन्होंने जमात बनाई है उस जमात में कांग्रेस की गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म। और जो ये बिना दूल्हे की बारात थी ना, उसमें राहुल गांधी जी दूल्हा बनने की कोशिश कर रहे थे, अब वो दूल्हा तो खैर क्या, बाराती भी बन के रह जाएंगे कि नहीं रह जाएंगे, ये आगे देखने का विषय होगा। और जिस प्रकार से तेलंगाना के अंदर बीआरएस को समर्थन किया था समाजवादी पार्टी ने और आम आदमी पार्टी ने, और वहां पर कांग्रेस की सरकार बनी है, इससे भी एक बहुत बड़ा फ्रैक्शन आप इंडिया अलायंस में देखेंगे। और अब तो कांग्रेस को समझना चाहिए, अब तो दोबारा से उसी पथ पे आना चाहिए कि सनातन का अपमान करने वाले डीएमके को कुछ तो बोले, वरना ये जो 40 सांसद इस बार आए हैं, इनके 40 की जगह अब 4 रह जाएंगे, ये इनोवा पार्टी बन के पहुंचेंगे संसद में, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। क्योंकि अमेठी से भगाया, वायनाड पहुंचे, अब वायनाड में लेफ्ट इनको मौका देगा नहीं देगा संसद पहुंचने का, ये भी देखने का विषय होगा। तो ये सारा का सारा जो मैं कहूं घटत और बढ़त है जी, वो इस बैठक में आपको दिख जाएगी कि इनकी स्थिति वहां पे क्या है। सुरेंद्र जी से भी एक रिएक्शन इस पर लेंगे, क्योंकि इंडी गठबंधन की जो बात है, सपा का आपने जिक्र किया मैथिल साहब, सपा ने तो चालू पार्टी तक कह दिया, ये समीकरण नहीं बन रहे, ये एक उलझाव, एक विरोधाभास सुरेंद्र भाई नजर आ रहा है, चाहे मध्य प्रदेश में हम देखें, छत्तीसगढ़ में हम देखें, वो इंडी अलायंस वाला तो विधानसभा में कहीं कोई जोर नजर आया नहीं। निश्चित तौर पर ये अलायंस है, वो विधानसभा चुनाव के लिए तो था नहीं, और जो अहंकार अभी दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ, किस प्रकार से ये लीजिए एक बड़ी खबर आ गई सुरेंद्र भाई, मैं लौटूंगा। सीतापुर से मंत्री अमरजीत भगत हार गए हैं, इस वक्त की एक और बड़ी खबर, एक और बड़ा चेहरा आस्था यहां पर धराशायी होता हुआ, अमरजीत भगत हार गए हैं, बीजेपी के रामकुमार टोपो हार गए हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टियों के, दोनों ही पार्टियों के जो प्रत्याशियों के अब जो रुझान थे वो परिणाम में बदलना शुरू हो गए हैं। सीतापुर से मंत्री अमरजीत भगत की हार को लेकर रिएक्शन भी लेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन जो अपडेट्स आ रहे हैं वो बताते चले दर्शकों को। ये देखिए अमरजीत भगत, ये चेहरे पर मुस्कान जरूर है, लेकिन असल में एक मायूसी जरूर हाथ लगी होगी कांग्रेस पार्टी के लिए, एक बड़ा झटका। सुरेंद्र भाई पहला रिएक्शन इस पर। दोनों उसी सीट से प्रत्याशी थे, या तो अमरजीत भगत जी हारे या रामकुमार टोपो जी हारे, तो मैं चाहूंगा कि ये करेक्ट कर लें जी, क्योंकि एक ही सीट से सीतापुर से दोनों लड़ रहे थे। और जिस प्रकार से रामकाज की बात कर रहे हैं, सनातन की बात करते हैं, रामकाज तो भूपेश सरकार ने किया है, दुनिया का एकमात्र कौशल्या मंदिर छत्तीसगढ़ में है, राजधानी से 27 किलोमीटर दूर, 15 साल रमन सिंह को याद नहीं आया? जो गौसेवा की बात करते हैं, हमने 10,000 गोठान शुरू किए और गौसेवा के नाम पर चंदा खाने वाले 1667 करोड़ का घोटाला हुआ था रमनराज में, हमने तो सीधे गोठान बनाए, गौसेवा किया है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनाव अभियान में अपने 15 साल के रमन सार। अच्छा, एक चीज और, सेल्फ गोल आप देखिए, यहाँ पर इन्होंने गोठान का उठा लिया सवाल, आप देखिए छत्तीसगढ़ ही वो प्रदेश है जहां पर गोबर घोटाला इन्होंने किया, साथ ही साथ अगर आप गूगल करेंगी तो आपको जानकारी मिलेगी एक गाय पर 30 लाख रुपए किस राज्य सरकार ने खर्च किए, वो भी छत्तीसगढ़ ही था। तो ये जो कांग्रेस के बच्चों को पीसीएस अधिकारी बनाना, शराब घोटाला करना, धान घोटाला करना, गोठान घोटाला करना, उसके अलावा पीडीएस सिस्टम घोटाला कर लेना, और ये डिस्ट्रिक्ट फंड में ये मोहन मरकाम नहीं तो चिल्लाया था ना कि भैया सारा का सारा फंड हमारा जो है ये खा गए। तो इस प्रकार की अपने सवाल मत कीजिए, आप याद कीजिए अपनी गलतियों को, और अब यहाँ पर रिएक्शन देने की जरूरत है। भाजपाइयों को कुल भुगतान गोठानों में गोबर खरीदी का 285 करोड़ हुआ, ये 1300 करोड़ का आरोप लगाते हैं, और झूठ और लफाजी में इनका कोई मुकाबला नहीं। एक बात और,
एक जो, बात और सुरेंद्र भाई देखिए आरोप प्रत्यारोप वाला समय निकल गया। टीवी डिबेट से आप लोग बहुत नहीं आपकी कुछ देर के लिए करंट तो अपडेट से लग रहा है। जो सीट्स क्लियर हो रही है, मैंडेट क्लियर हो रहा है, उससे जरूर करंट लगेगा। बड़े बड़े चेहरे हार रहे हैं, पार्टी चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों ही हार रहे हैं, लेकिन चर्चा आगे जारी रखेंगे। आस्था हाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौट रहे, कहीं मत जाइएगा। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी।